दोस्तों हमारे चूज़ों को पता चल चुका है कि उनके लाल चावल आ चुके हैं। ये देखें इधर मैंने डाल दिए। चले ये अब अपने चूज़ों को डालते हैं जल्दी से। चले भाई दोस्तों हमने ये नीचे रख दिए है। अब हम लोग अपने चूज़ों को खोलते हैं क्योंकि हमारे चूज़े ना खुलने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मिनट दोस्तों ये क्या हुआ, वो तोता अभी तक बाहर नहीं निकला जो कल बारिश के से बंद था। यार वो अंदर नज़र तो नहीं आ रहा मटकी के अंदर मुझे, कहीं ये तो नहीं दोस्तों कि वो हमारा तोता उड़ गया होगा। यार ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हर जगह से बंद है। ये देखें दोस्तों हर जगह से इधर से ही बंद है। फिर कहाँ गया हमारा वो तोता, इधर भी नहीं है, कबूतर के सेक्शन में भी नहीं है कहीं पे। ये देखें फिर हमारा वाला तोता कहाँ गया यार। यार मुझे तो बड़ी बेचैनी से हो रही है क्योंकि मैं उसको छोटे से ला के पाला था। अभी चले मटकी के अंदर चेक करते हैं, हम लोग मटकी के अंदर चेक करते हैं। देखें दोस्तों मटकी का अंदर होता ना तो हिलते झुलते हुए ना मज़ा आता बिल्कुल भी। मटकी के अंदर तो हो भी नहीं सकता, मैं चेक कर लिए। यार एक मिनट मैं सबसे चेक कर लेता हूँ। ओए होए दोस्तों मुझे अब मामला समझ में आ गया है, इसने ना ये रस्सी कुतरी और इधर से निकल गए। लेकिन यार शुक्र करें ये वाला तोता नहीं निकला। इसका मतलब दोस्तों हमारा पुराना वाला तोता उड़ चुका है। शिट यार हमारा पुराना वाला तोता उड़ गया है। हमने कितनी मेहनत से दोस्तों उसे पाला था, छोटा सा था बिल्कुल बाल भी नहीं निकले थे तब से ला कर पाला था। अब वो हमारे साथ नहीं रहा है, उड़ गया वो तोता। और मुझे तो सबसे ज़्यादा डर ये है कि उड़ा नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा डर ये वो अभी तक मर चुका होगा क्योंकि आपको पता है इन छोटे तोतों के पीछे ना कौवे पड़ जाते हैं। कौवे इनको खाने के लिए ना बेताब हो जाते हैं, मतलब कि कौवे को इनका खून चाहिए होता है बस। तो यार कौवे या चील उस बेचारे के पीछे पड़ गए होंगे और उसे खा गए होंगे अब तक। सेट यार बस दुआ ये है जहाँ भी हो वो सेफ़ हो क्योंकि ना कौवे और चील इन तोतों को नहीं छोड़ती, बिल्कुल मार देती है। अब यार हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जितना गम बनाना था हमने बना लिया है। फिलहाल हम उस जगह को बंद कर देते हैं ताकि हमारा वाइट वाला तोता नहीं उड़ चुके। और हमें ना तीन पार्टनर लाने हैं, एक तो इस कबूतर का पार्टनर, इस तोते का पार्टनर और इस तोते का पार्टनर। इस तोते का दोस्तों मैं समझा सोच रहा हूँ, इस तोते का जो हमारा छोटा वाला तोता ना इसकी क्यों ना पूरी कॉलोनी बना दें बजीज की, क्योंकि मुझे पसंद है यार तोते बड़े प्यारे बोलते हैं। तो हाँ मैं सोच रहा कबूतरों का बड़ा पिंजरा बनाएं, इनकी कॉलोनी बना दूँ। तो आप बताइएगा कैसा आइडिया है। इनकी कॉलोनी मैं शायद ऊपर बनाऊं, लेकिन अभी नहीं, जब हमारे पास बहुत सारे तोता आ जाएंगे तब मैं बनाऊंगा। बाकी आप बताइएगा अच्छा आइडिया कि नहीं आइडिया। बाकी सैड न्यूज़ ये आज हमारी कि हमारा यार तोता उड़ गया जो हमने बचपन से ला के पाला था, वो अब हमारे साथ नहीं है, बस ये अकेली बच चुकी है। अब इसका हमें पूरी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा और इसकी जहाँ से वो तोता उड़ा है वो जगह बंद करनी पड़ेगी इससे पहले कि हमारा वाइट वाला तोता भी उड़ जाए और या कोई उससे नुकसान पहुँचे। चले अभी हम लोग अपने चूज़ों को खोलते हैं क्योंकि हमारे चूज़े तो भाई कुछ भी हो, कोई खबर अच्छी न्यूज़ हो, बेकार न्यूज़ हो, बुरी न्यूज़ हो, उन्हें तो बाहर निकलने की जल्दी रहती है जैसे कि आपको पता है। और इस वाले तोते को तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि ये यार ये दोनों सब से ये सबसे बड़ा है इसलिए सबसे लड़ता है यार ये, इसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, सबसे लड़ता है। इस ब्राउन वाले को तो इसने सर फाड़ दिया था, मतलब कि सर फाड़ा नहीं फाड़ने वाला था तभी मैं इसको अलग कर दिया। तुम्हारी सज़ा है भाई, तुम उधर ही आओ, कभी किसी ये चूज़ों को नुकसान पहुँचा दे। चले अब खोलते हैं सब चूज़ों को। आ जाओ भाई आ जाओ, पहले तुम आ जाओ बाहर। ये हमारे नए वाले चूज़े गए, अब जैसे ही नए वाले चूज़े गए ना हमारे पुराने वाले चूज़ों को और जल्दी लग गई खुलने की। रुक जाओ भाई खोलते हैं खोलते हैं, सब्र तो करो। आ जाओ आ जाओ, ये चले गए। ओए होए कैसे गए यार, एकदम से गए हैं। मेरे पास क्यों आ रहे हो, वो रख तो दिया खाना। अच्छा मैं समझ गया, अपने पार्टनर को लेने आए हैं ये। चलो भाई इसके पार्टनर को भी खोल देते हैं। ये देखें दोस्तों बुला रहे हैं उसे, वो कह रहे हैं आ जाओ भाई हम साथ चलें। वो देखें वो भी निकलना चाह रही है। हाँ भाई तुम्हें भी खोलते हो, चलो रुक जाओ चलो जाओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। अरे इधर से आओ, उधर से क्यों आने की कोशिश कर रही हो, पता नहीं कैसे निकलेगी अब ये। अरे उस तरफ है रास्ता, इस तरफ है, ये इधर से मैं खोल दिया है, जाओ। पता नहीं कैसे चूज़े, आप देखें अब खुल गए। चलो भैया बस तुम लोग आराम से खा लो चूज़ो। दोस्तों हमने अपने चूज़ों को खोल दिया है। और दोस्तों आज थोड़ा सा ना मौसम अच्छा है, मतलब कि ना बारिश के बादल थम चुके हैं, लेकिन अभी भी हमने देखा है वेदर में रात को भी बारिश होगी और पिछली रात को भी कल सारे दिन बारिश हुई है। अभी फ़िलहाल तो बादल ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और हल्की हल्की धूप है, मतलब कि धूप अच्छी लग रही है। अब क्या कहते हैं काफ़ी दिनों बाद दो तीन दिन बाद धूप निकली है तो अच्छी लगेगी ना भाई। लेकिन शाम को धूप निकली, अगर दोपहर को ये धूप होती ना तो हमारा बुरा हसर हो जाता गर्मी से और हमारे परिंदों का भी। तो अच्छा अभी निकली, अभी हमारे सारे चूज़े देखे कितने अच्छे लग रहे हैं झुंड में ना, और भी हमारे चूज़े अच्छे लगते हैं अगर ये एक साथ झुंड में होते हैं ना, तो और भी अच्छे लगते हैं जैसे आपको अभी दिख रहे हैं।
ये देखें, थोड़ा कुछ लड़ते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ खाते हैं, तो हाँ और भी अच्छे लगते हैं। तो हाँ भाई, हमारे चूज़े जल्दी से खाना खा लें अच्छी तरह, क्योंकि उनके मनपसंद देश हमने सामने रख दिए, लाल चावल। अभी तो हमारी छत पे थोड़ा खेलेंगे, पता नहीं वो कुछ नीचे चले गए हैं उधर, कुछ इधर खाना खा रहे हैं, तो भाई खा लो आराम से। देखें दोस्तों, कॉकटेल की हरकतें देखें आप, मतलब चूज़ों को मैंने खोल दिया ना, कॉकटेल को भी बाहर निकलना है किसी तरीके से। वो ऊपर चढ़ रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, मुझे बुला रहे हैं, हाँ भाई कॉकटेल तो मैं खोलूँ क्या। जैसे ही चूज़ों को देखते हैं ना, ये देखें दोस्तों, इसे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि इसे मैंने ना आज देर में खोला है। हाँ भाई सॉरी यार, कॉकटेल यार, देखो पहले चूज़ों को खोलता हूँ ना भाई, देखें कैसे से बाहर निकलने की जल्दी पड़ रही है। ये देखें एक तरफ से देख रहे हैं कि चूज़े खुले हैं, भाई मुझे क्यों नहीं खोल रहा, आपको भी खोलूँ कॉकटेल, आपको भी खोलूँ मैं, अच्छा खोलता हूँ रुको एक मिनट। हाँ भाई आपको भी खोल दिया, सही है, आप खुश हो जाओ, नाराज़ नहीं हो करो मेरे से। अरे इतना डर क्यों रहे, ये मतलब कब्बे से भी डर रहे है। ओ अच्छा, मुझे पता चल गया क्यों डर रहा है, उधर बैठा हुआ है ना कब्बा, कुछ नहीं करेगा कॉकटेल आपको, आपको कुछ नहीं करेगा कब्बा, आ जाओ आप खाओ आराम से ही लो, चलो भाई जाओ, शाबाश, खुद ही चलाया था अब तो हमारा कॉकटेल, जाओ भाई तुम जाओ यहाँ से, चलो चलो भागो यहाँ से। कब्बे से ना मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों, क्योंकि हमारे तोतों को उठा के भाग जाते हैं ये लोग, आपको याद है शायद, ये तो नहीं है दोस्तों, हमारे ब्लू वाले तोते को कब्बा ने निकाल दिया, अरे पिंजरे से खींच लिया, मुझे तो नहीं पता ना किसने निकाला है। खैर हमारा कॉकटेल कहाँ है, कॉकटेल देखो उधर चल के भी चला गया, कॉकटेल क्या चाहिए आपको, मतलब कहीं उधर नहीं बैठना आपको, इधर क्यों आ गए वापस, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पता नहीं कॉकटेल क्या हो गया हमारे कॉकटेल को, पूरा चेंज हो गया हमारा कॉकटेल, क्या हो गया कॉकटेल, आ जाओ, मुझे लग रहा है कह रहे हैं जल्दी से भाई मेरा पार्टनर लाओ, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। अच्छा भाई कॉकटेल संडे बाजार तो लगने दो, फिर एक दफ़ा ले आऊँगा ना मैं, सारे एक साथ पार्टनर ले आऊँगा संडे बाजार लगने दो, सही है, आप इधर इन्जॉय करो। ओए ये कैसी आवाज़ है, मेरे ख्याल से मुझे पता चल गया, जैसे कब्बा आता ना ये मारती है आराम से, कब्बा खाने के लिए आएगा लाल चावल जैसे अभी तो इंतजार कर रहे हैं। मुर्गियाँ फ़ौरन अटैक करती हैं, जैसे कल आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जैसे ही कब्बा नीचे आया था, लाल मुर्गे ने, फाइटर मुर्गे ने हमारे अटैक कर दिया था उस पर और एकदम से इसे भगा दिया था। भाई असील मुर्गे काफ़ी ख़तरनाक है, ये बात मैंने मान ली भाई। अभी देखा हमारे चूज़े इधर खाना खा रहे हैं और कॉकटेल हमारा पता नहीं उधर अलग रह रहे, मुझे लग रहा है कबूतर को खोलने का कह रहे हैं, चले दोस्तों हम लोग कबूतर को भी खोल देते हैं। अरे कबूतर को खोलने तो दो, फिर उनके पास चले आना, मुझे लग रहा है उनसे दोस्ती करना चाह रहा है, तभी एकदम से ऊपर चढ़ गया है। हाँ भाई तुम उनसे दोस्ती करना चाह रहे हो कॉकटेल, तभी ऊपर चढ़ गया है, ये देखें दोस्तों, नहीं तो कभी भी नहीं चढ़ता ऊपर। चलो खैर हम लोग कबूतरों को आज हाथ से पकड़ के बाहर निकालेंगे, क्योंकि कबूतर हमारे ऐसे तो निकलते नहीं है, इन्हें आज हाथ से पकड़ के निकालेंगे, खुल जा सिमसेम, चलो भाई आ जाओ आ जाओ कबूतर, आज तुम्हें हाथ से पकड़ के मैं निकालूंगा, क्योंकि तुम ऐसे निकलते नहीं हो। ये गया हमारा पहला कबूतर, और अब दूसरा कबूतर कहाँ है भाई, आओ भाई दूसरे कबूतर तुम भी आ जाओ, तुम क्यों नहीं निकलते भाई बाहर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ है यार। ये देखो ये कॉकटेल को अपना दोस्त बनाओ, ये देखो कॉकटेल अटैक क्यों कर रहा है उस पर, ओए होए अटैक कर रहे हो यार कॉकटेल, तुम तो उसे दोस्त बनाओ अपना कॉकटेल, ओए होए होए होए, मुझे लग रहा है कॉकटेल ना दोस्त बनना नहीं चाह रहा, दुश्मन बनना चाह रहा है दोस्ती से ज़्यादा, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। कॉकटेल ऐसा हो तो मत करो यार, तुम्हारे दोस्त हैं ये देखो, चलो बन जाएगा दोस्त, खैर इसको भी मैंने छोड़ दिया है, और जाओ कॉकटेल आप भी नीचे जाओ उनके साथ, चलो ये देखें नीचे जा रहा है, अब नीचे जाएगा शायद, क्योंकि उसे पता चल चुका है इस पिंजरे में कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे दोस्त अब नीचे चले गए, लेकिन दोस्ती से ज़्यादा दुश्मनी ले पा रही है, क्योंकि कबूतरों से लड़ है यार। खैर कबूतर भी हमने खोल दिया, कबूतर अंदर क्यों चले गए भाई, गली में क्यों चले गए तुम लोग सारे, बाहर निकलो, चलो 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 चलो, अरे उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, चलो तुम सीधा चलो 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 चलो, अरे इसका एक पार्टनर उधर है ना, तभी उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम नीचे क्यों चले जाते हो हमेशा, आओ बाहर आओ, आज तो मैं बाहर बुला के भेजूंगा मैं, चलो जाओ जाओ अब गली में चला जाएगा देखना दोस्तों, शुक्र नहीं गया, नहीं गया नहीं गया, चलो जाओ भाई आगे जाओ आगे जाओ जाओ, कॉकटेल वो देखें कॉकटेल भी पता नहीं अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। चलो खैर हमारे चूज़ा कबूतर था खाना खा रहे हैं, जैसे ही खाना खा के पारे हो जाएंगे फिर हम अपने मुर्गा मुर्गी को खोल देंगे। और दोस्तों एक मसला हो गया हमारा ना, मास्टर केस की मिट्टी सारी गीली हो चुकी है, और आधी से मिट्टी ना, आधी से ज़्यादा मिट्टी ना पानी से बह चुकी है, मतलब के ना कुछ ही मिट्टी बची है इधर, ये देखें मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, और ज़्यादातर मिट्टी देखें इधर आ गई है, ये ज़्यादा मसला हो गया मिट्टी का, और ये कुछ थोड़ी सी मिट्टी इधर बची है, ये देखें बारिश में ये मसला हो गया हमारे, बाकी हमारा मास्टर केज ना बारिश में बिल्कुल सही है, देखें बिल्कुल हमारा मास्टर केज की हालत सही है, इतना कुछ ख़राब नहीं हुआ है, मुझे तो लग रहा था
कि मास्टर गेट हमारा टूट ही जाएगा, बस पेंट करना है हमें इसमें जल्दी से। बारिश के ऐसे में रुक गया क्योंकि बारिश के ऐसे ना पेंट नहीं हो सकता, जैसे ही बारिश ख़त्म होती है ना फिर हम लोग अपना पेंट का काम भी शुरू करते हैं। चलो भाई कबूतर जल्दी से खा लो फिर तुम्हें बंद करें। चूजो तुम भी लड़ना मत, लड़ने को नहीं कहा मैंने। ये देखें लड़ना शुरू, थोड़ी थोड़ी बातों पे ना ये लड़ना शुरू कर देते हैं। वो देखें ये, वो देखें, वो देखें, वो लड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब एकदम से ना वो बेचारा खुजा रहा है, उसका मुंह पकड़ लिया। भाई बहुत नॉटी हो तुम मुर्गे, यार अभी मुर्गा है तभी वो मुर्गे मुर्गे आपस में लड़ते हैं। मुर्गों की ना भाई समझ नहीं आती, आपस में लड़ना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इनके हालत ख़राब है, हालांकि बचपन से रखा हुआ है तब भी ना लड़ते रहेंगे। चलें कोई बात नहीं, छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, लेकिन अब नहीं लड़ना भाई तुमने, सही है? आप उसके पास नहीं जाना। ओए चलो सबसे लड़ो भाई, तुम सबसे लड़ लो, सब जानवर से लड़ लो। तभी मैंने अच्छा किया ना, तुम्हें अलग बंद किया है मैंने, तभी मैंने तुम्हें इस पिंजरे में बंद किया हुआ है। अब बेचारे कबूतरों को दोस्तों मैंने ना अलग खाना डाला है, ये देखें अलग बाजा डाला है, ताकि ना वो चूज़े ना उससे लड़े, ना कबूतर चूज़ों से लड़े। लेकिन ना चूज़ों की आदत गंदी है, वो कबूतरों से लड़ना शुरू कर देते हैं। बेचारे कबूतर कुछ भी नहीं कहते। ये देखें उनका हल्क है, इतना सारा अलग उधर खाना डाला हुआ है, इनका अलग डाला है ताकि लड़े नहीं, आराम से खा लें। लेकिन फिर भी ना हमारे चूज़ों को ना लड़ना ही लड़ना है, ख़ास तौर पर इस काले वाले चूज़ों को जो जा रहा है। तभी मैंने इसको अलग बंद किया। ये देखें वो आए, वो सारे डर गए क्योंकि इसे पता है हमें मारेगा, सब परिंदों को मारता है भाई ये, इसकी ये बात गलत है। देखें फिर से आ गया, अब फिर से मारेगा भाई। तो मैं फिर बंद कर दूंगा, मैं खोलूंगा नहीं आराम। वो देखें सब चूज़े से डर रहे हैं क्योंकि सबको मारता है भाई, कोई इसके पास नहीं आ रहा। वो देखें उसको ही भगा दिया, पता नहीं क्या आदत है इस चूज़े की। ये ना हमारा काला वाला चूज़ा सबसे लड़ता है, इसका बताएं हम लोग क्या करें, इसको पालें या नहीं पालें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ यार बचपन से पाला, मैं इसे पालूंगा, लेकिन अलग पालेंगे इसके लिए और अलग इसके लिए पार्टनर लाएंगे, क्योंकि ये सबसे लड़ता है भाई। ये इसका कोई ये दिल चाहे ना किसी को जान से, अगर मैं नहीं छुड़वाता ना ये कबूतर को जान से ही मार सकता था, जिससे इसने कबूतर को पकड़ा था। देखें कबूतर आराम से उधर खाना खा रहे हैं, कोई तंग कर रहे हैं कबूतर? ये देखें कितने प्यारे हमारे कबूतर हैं और ये आराम से खाना खा रहे हैं। हाँ भाई खा लो आराम से, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो अभी दोस्तों हमारे चूजे मज़े कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भाग रहे हैं। ये देखें उधर भाग के जा रहे हैं और कुछ लोग उधर इंजॉय कर रहे हैं मेन, और हमारे कबूतरों ने भी खाना खा लिया है। एक कबूतर है, दूसरी खाएं, अरे दूसरी खा गई, वो रही दूसरी। ए लौंगी मार मत, मारो मत, मार मत, चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ। दोस्तों मैंने क्या देखा, अभी कबूतर को लौंगी मार रहा था। ये तो बड़ी खतरनाक बात है यार, ऐसा होया तो लौंगी सबको मारा करेगा। मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बताओ? ये जो लौंगी था अपना लौंगी है, ब्लैक वाला चूजा है ना भैया, इसने कबूतर को इतनी जोर का मारा है। इधर मैं अपने गाइस को भी पता है, गाइस को पता है, आपको पता है क्या किया इसने? क्या किया? उधर था उधर कबूतर के साथ। अभी कहा इतनी जोर का, अभी तो बोल रहा भैया उधर है कबूतर, कबूतर कहा कबूतर हमारे अपने कबूतर के साथ होगा वहाँ पे। ओए ये देखें, ये देखें दोस्तों अंडे के लिए इधर था, इधर वो इतनी जोर का मारा, उससे वो रही उस बहुत तेज भाग रहा था ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इधर इन्हें रिलैक्स होने दो। खाना तो इन्होंने मेरे ख्याल से खा लिया कबूतरों ने, जो मैं डाल के गया था इधर, और इनका दिल भर गया। हाँ ये अंडे का सेटअप बना रहे हैं, अभी अंडा देंगे नहीं, थोड़े दिनों में देंगे। बाकी दोस्तों एक सैड न्यूज़ है, वो सैड न्यूज़ पता है क्या है दोस्तों? हमने जो घोंसला बनाया था ना इनका, वो पूरा गीला और बेकार हो चुका है। मेरा मतलब ये है कि बारिशों की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखें दोस्तों पूरा ना डिस्ट्रॉय हो चुका है, और पानी पानी गीला गीला हो रहा है, जिससे ना हमारे कबूतर और ये पूरा ख़राब हो रहे हैं। मतलब कि इधर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। और बारिश ऐसे ही देखें दोस्तों, बार बार ना पानी भर रहा है और कालस मिच रही है, इतना गंद कभी नहीं हुआ। ये देखें ऊपर देखें, ये भी एक ही साथ साफ हुआ था, लेकिन नीचे देखें कितना गंदा है, क्योंकि नीचे हम बारिश का पानी जमा हो जाता है। और दोस्तों हमें ये साफ करना पड़ेगा जल्दी से भैया, हमें जल्दी से साफ करना चाहिए, कल या फिर परसों हम लोग अपनी स्टूडियो की क्लीनिंग कर देंगे। हाँ। मैं तो ये ना, लेकिन इसकी क्लीनिंग घोंसले की क्लीनिंग तो मैं आज करूंगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडे नहीं देंगे, क्या पता इसने अंडे रोके हो, अंडे खराब जगह की वैसे नहीं दे रही हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो जल्दी से ना हमें इनका सेटअप साफ करना पड़ेगा, कभी गंदा हो जाए इनका सेटअप फिर इनको ही परेशानी होगी ज्यादा। भी दोस्तों मैंने फैसला किया, हमारे कबूतर उस वाले पिंजरे में चले हैं, क्योंकि उस पिंजरे में ना कबूतरों की खेलने की बहुत सारी, फन करने की बहुत सारी जगह है। और लौंगी को ना मैं इस वाले पिंजरे में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो इधर खुश भी रहेगा, उधर लकड़ियाँ अकड़ियाँ ना उससे चुपती होंगी,
लेकिन कबूतरों के लिए ना वो बेस्ट जगह है, क्योंकि कबूतरों का ना छोटा साइज होता है और उसमें फन भी कर सकते हैं। बेचारा लोंगी एक जगह बैठा रहता है, इतना जुलम नहीं कर रहा है यार, क्या पता उसकी नीचे रो मारने की, मैं ऐसा उसका जुलम नहीं कर सकता। इसलिए मैं ना कबूतरों को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और मुर्गों को कह रहा हूँ स्मॉल साइज मुर्गों को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मतलब लोंगी को। तो ये बताइएगा कैसा आइडिया। चलिए अब करते हैं, कबूतरों को पहले उधर ट्रांसफ़र करते हैं फिर लोंगी को करेंगे। और दोस्तों सारे चूज़ों को ना बंद करने का टाइम आ गया क्योंकि वो खाना खा ही नहीं रहे। तो हाँ अब मुर्गा मुर्गी को खोलेंगे क्योंकि वो लोग भाई खाना भूखे हो रहे हैं, सुबह से नहीं मतलब शाम से भूखे हो रहे हैं। तो हाँ वो भी वेट कर रहे होंगे ना, इसलिए चूज़ों ने तो अपना पेट भर लिया। बारी है मुर्गा मुर्गी को, और कबूतरों को काम भी करते हैं, क्या पता वन डे अपने रोक रहे हों दे नहीं रहे इसी वजह से। हाँ तो ये भी करते हैं जल्दी से। तो तुम्हारी पार्टनर भी उधर चली गई और कैसे आराम से लकड़ी पर बैठी हुई है, तुम भी ऐसे बैठ जाना सही है। और उससे कहना कि उधर ही नीचे अंडे कर दो, उधर का उसका घोंसला बना देता हूँ मैं भी, सही है ना? तुम्हें बात समझ में आ रही है? चलो जाओ अब जाओ अंदर, चलो शाबाश जाओ, खुशी से जाओ। चलो अब दोस्तों हमारे कबूतरों के लिए ना ये बिल्कुल नई जगह है, इससे पहले वो कभी भी इस पिंजरे में बंद नहीं हुए। चलो भाई अभी आराम से रहो, जिसे झूला झूलना होगा झूला झूलेगा, जिसे लकड़ी पर बैठना होगा लकड़ी पर बैठ जाएगा, और जिसको अंडा देना होगा वो अंडा दे देगा। अब हो गया ना दोस्तों हमारे कबूतरों का परफेक्ट सेटअप, अब बारी है चूज़े का बंद करने की। चलिए चूज़ों को बंद करते हैं। अभी दोस्तों हम लोगों ने अपने फाइटर मुर्गे को खोल दिए और ये देखें कैसे खाना खा रहे हैं। ये देखो मुर्गी को भी करीब नहीं आने दे रहे अपने, अगर आ रही है तो उसे बेचारी को मार के दूर कर रहे हैं, खुद ही अकेले अकेले खाना खा रहे हैं। हाँ भाई अकेले अकेले खाना खा रहे हो तुम? मैं भी पास नहीं जा रहा भाई, कभी भी मुझे मार सकता है, कभी भी मेरे पीछे पड़ सकता है ये, क्योंकि किसी को नहीं माफ़ करता भाई। अभी देखें अकेले खाना खा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों अकेले खाना खा रहे हैं, मुर्गी को देख तक नहीं रहा, मुर्गी क्या खा रही है क्या पी रही है वो देखें उधर, पता नहीं क्या खा रही है, क्या खा रही है भाई तुम? चलो जाओ मुर्गी के पास जाओ अपने। तो दोस्तों हमारे वाले मुर्गा मुर्गी तो आराम से खाना खा के फारिग हो जाएंगे। बस आज के लिए मैं इतना ही व्लॉग एंड करता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है। हम लोगों का ना दूसरे मुर्गा मुर्गी को भी खोलेंगे फिर अपने, क्योंकि वो उनका भी हक बनता है ना भाई खोलने का, सारे मुर्गा मुर्गी को अलग अलग खोलना पड़ता है, नहीं तो आपस में ना लड़ के हालत बुरी कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है चूज़े इतना लड़ते हैं, सोचो मुर्गे कितना लड़ेंगे। तो दोस्तों बस आज के इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आप बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मुझे तो दोस्तों परेशानी सी है क्योंकि हमारा तोता उड़ गया है, हमारा जो हमने बच्चा सा पाला था जिसके सर पे बाल भी नहीं थे पूरी तरीके से, पर भी नहीं निकले थे, आज वो हमें छोड़ के चला गया है। ये देखें दोस्तों अकेला वाइट वाला तोता बच चुका है, ये देखें अभी आराम से इसके लिए पार्टनर लाएंगे, तीन पार्टनर हमें एक साथ लाने पड़ेंगे, कॉकटेल का, कबूतर का और अपने वाइट तोते का। तो हाँ ये ज़रूर सी काम करेंगे। और अपना हमने अपने लोंगी को इधर शिफ्ट कर दिया, ये देखें अब थोड़ा खुश है, और अपना दोनों कबूतर को इधर शिफ्ट कर दिया है। इनके लिए भी प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा यार, आप जल्दी से सपोर्ट करें ताकि हम ना प्रॉपर सेटअप कर लें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। खैर दोस्तों हमारे मुर्गा मुर्गी इधर खाना खाते रहेंगे, तो बस आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अरे लोंगी की हरकतें देखें, ये देखें उसे ना उस चूजे के साथ लड़ना है, उस मुर्गी के साथ इसे लड़ने जाना है। नहीं भाई तुम्हें कभी भी नहीं निकालूंगा पिंजरे से बाहर, क्योंकि नहीं तो तुम्हें फाइटर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसकी बीवी को किसी ने हाथ लगाया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा भाई, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा लोंगी।